का कपिल शर्मा हमेशा ही लाइमलाइट में बना रहता है। कपिल शर्मा का ये शो आप सभी को हंसाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज आते हैं और हमेशा ही कपिल शर्मा मजाक करते हुए दिखते हैं, और वहीं इस शो में आप सभी को बुआ के किरदार में हंसाती हुई नजर आती हैं भारती सिंह। जी हाँ, भारती सिंह लगातार ही हर इवेंट में, हर शो में हर किसी को हंसा देती हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। लेकिन बीते दिनों से भारती सिंह को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। भारती सिंह बुरी तरीके से मुसीबत में फंस चुकी हैं। जी हाँ, उनको लेकर विवाद खड़े होते ही जा रहे हैं। जनता उनसे काफी नाराज हो चुकी है। बता दें आपको कि बीते समय से लगातार भारती सिंह के साथ साथ दो और सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर इन केसेस में फंस चुकी हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं भारती सिंह पर लगे आरोप के बारे में कि आखिरकार क्या है ये मामला और इस न्यूज से जुड़ी हुई क्या क्या अपडेट आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों भारती सिंह लोगों के गुस्से का शिकार हो चुकी हैं। बता दें कि अपने एक मजाक की वजह से भारती सिंह फंस चुकी हैं बड़ी मुसीबत में। उन्होंने एक पवित्र शब्द को लेकर इतनी बुरी तरीके से मजाक बनाया कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं, जिसके चलते लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उतर आए हैं लोग भारती सिंह के विरोध में, और ऐसे में लगातार उनसे बुरा भला कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारती सिंह का एक मजाक उन पर काफी भारी पड़ गया है, जिसके चलते भारती सिंह को शायद द कपिल शर्मा शो से भी निकाला जा सकता है। जी हाँ, ऐसी ही तमाम खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब फिर से भारती सिंह को लेकर एक और बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस बड़ी मुसीबत के बारे में कि आखिरकार भारती सिंह की मुसीबत अब कैसे बढ़ गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जनता का गुस्सा बुरी तरीके से फूट पड़ा है इन तीनों ही सेलिब्रिटीज पर। जी हाँ, भारती सिंह के अलावा यहाँ पर दो और फिल्मी हस्तियों का नाम शामिल है। हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन और फराह खान की। यहाँ पर ये तीनों ही बुरी तरीके से मुसीबत में फंस चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कई दिनों से इन तीनों को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, और इसी मामले को लेकर फराह खान ने लोगों से माफी भी मांगी। दरअसल आपको बता दें कि फराह खान ने ट्वीट करके कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और किसी भी धर्म का अनादर करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। रवीना टंडन, भारती सिंह और पूरी टीम की तरफ से हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं। फराह खान के साथ साथ रवीना टंडन ने भी ट्वीट करके यहां पर लिखा कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे किसी धर्म का अनादर हो। हम तीनों, यानी कि फराह खान, भारती सिंह और मैं, किसी का धर्म का अनादर करने का कोई उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम उनसे दिल से माफी मांगते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, जब इन दोनों ने माफी मांगी तो उससे पहले का मामला आखिरकार क्या था। गुस्से में आए हुए लोग बुरी तरीके से इन पर फूटते हुए नजर आए, तो यहाँ पर उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में फराह खान के एक शो में पहुंची थी भारती सिंह और रवीना टंडन। यहाँ पर भारती सिंह ने बना दिया मजाक, वो भी एक पवित्र शब्द का। ये पवित्र शब्द जुड़ा हुआ है ईसाई धर्म से। ऐसे में जब भी किसी पवित्र शब्द का कोई मजाक बनाता है तो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। जब कोई शब्द भगवान की महिमा से जुड़ा हो, और यहाँ पर भारती सिंह ने बना दिया उसका मजाक। बता दें आपको कि ये शो था बैक बेंचर्स। इस शो में होस्ट फराह खान हैं, तो यहाँ पर भारती सिंह ने बना दिया हालेलुया का मजाक। इस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो, जिसका बहुत ही
बेढंगे तरीके से भारती सिंह ने मजाक बना दिया और बुरी तरीके से मजाक बनाने के बाद यहां पर ये तीनों हंसती हुई भी नजर आई। लेकिन लोगों को भारती सिंह का ये रवैया बिल्कुल भी रास नहीं आया। उन्होंने इस बेहुदा मजाक से ईसाई धर्म और ईसाई समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। दरअसल आपको बता दें कि हालेलुया एक बहुत ही पवित्र शब्द है और ईसाई धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति के जीवन में इसका अर्थ बहुत बड़ा है। ऐसे में यहाँ पर लोग लगातार इन तीनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। बता दें आपको कि इन तीनों ने ही भावनाओं को ठेस किया लोगों की। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए और अब तक करीब 3 केस दर्ज हो चुके हैं। बता दें आपको कि फराह खान, रवीना टंडन, भारती सिंह यहां पर शो में एक शब्द के जरिए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुकी हैं, तो वहीं इस मामले में लोगों ने उन केस दर्ज कर दिए। बता दें आपको कि इन तीनों पर केस दर्ज किया गया, तो वहीं जम्मू में ईसाई समुदाय के सदस्यों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया और इन सदस्यों ने कहा कि टीवी शो के दौरान इन तीनों कलाकारों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। ईसाई समुदाय के लोगों के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि प्रदर्शनकारियों ने शहर की शहीदी चौक पर यहां पर इकट्ठा होकर इनके खिलाफ नारेबाजी की और इन पर आरोप भी लगाए। इसके बाद उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च भी निकाला और बाद में सभी शांतिपूर्ण तरीके से चले गए। यहां पर इन लोगों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, तो इससे पहले महाराष्ट्र के बीड शहर में इन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, तो वहीं पंजाब में भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अब तक इन पर 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए एक और नई मुसीबत की, तो आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर जिले के थाना अजनाला में इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, तो वहीं पंजाब के कई शहरों में लोगों ने तीनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और रोपड़ जिले में भी कई केस पंजीकृत किए गए थे। ऐसे में अब थाना अजनाला में दर्ज केस पर तीनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, रवीना टंडन, भारती सिंह और फराह खान को 1 हफ्ते के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। नोटिस में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि वो अपने वकील के साथ थाना अजनाला में पेश होकर इस मामले के बारे में अपना पक्ष रख सकती हैं। पुलिस ने धारा 41A के अंतर्गत नोटिस जारी किया है और यदि वह 1 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष नहीं रखती हैं, तब तीनों की गिरफ्तारी की जा सकती है। यदि तीनों अपने स्पष्टीकरण से संतुष्ट कर पाती हैं, तो उनको थाने में ही जमानत मिल जाएगी। और ये है वो बड़ी मुसीबत जिसके चलते अब बुरी तरीके से फंस गई हैं कॉमेडी क्वीन भारती सिंह, फराह खान और रवीना टंडन। अब देखते हैं कि आखिरकार इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलता है इन तीनों ही हस्तियों को। सो फ्रेंड्स, आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से भारती सिंह को लेकर बुरी तरीके से भड़क उठे हैं लोग, और ऐसे में यहां पर पुलिस ने भी समन जारी कर दिया है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की थी और यहां पर उन्होंने उस शो की वीडियो को भी देखा था, जिसके बाद उन्होंने ये वारंट दिया है, जिसके चलते भारती सिंह की मुसीबत, फराह खान और रवीना टंडन की मुसीबत भी बढ़ गई है। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार ये मामला कब शांत होता है। अभी फिलहाल तो पुलिस ने 1 हफ्ते का समय दिया है इन लोगों को, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार लोग कब शांत होते हैं, उन्हें कब इस मामले से राहत मिलती है। यहां पर भारती सिंह शो को लेकर भी काफी चिंता में आने वाली हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके अब उन्हें शो से निकाल दिया जाए और भारती सिंह शायद आपको फिर शो में नजर भी ना आए। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में एक याचिका भी दर्ज की गई थी और इस याचिका में मांग की गई थी 7,500 हस्ताक्षर की। यहाँ पर एक और 7,167 हस्ताक्षर हो चुके हैं और ऐसे में कुछ ही लोगों के सिग्नेचर हैं जो कि बाकी हैं। अगर वो हो जाते हैं तो शायद मेकर्स को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था भारती सिंह को लेकर पूरा मामला और अब ये पुलिस ने जारी कर दिया है समन, नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में देखते हैं कि भारती सिंह को इस मुसीबत से कब राहत मिलती है।
खैर फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए तो हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।